हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रक्षाबंधन स्पेशल आप लोग अपने भाई के लिए कुछ बनाए हैं, अगर कुछ सोच रहे हैं तो ये है परफेक्ट रेसिपी। बिना कंडेंस मिल्क, बिना पाउडर दूध, बिना दूध का, बिना मावा का, बिना कोई झंझट का, सिंपल दो इन्ग्रीडियंट्स से। तो देखिए, शक्कर और मैदा, उससे इतना अच्छा लाजवाब दो कलर का आपको बर्फी बोलिए या मिठाई बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, 15 मिनट में बन के रेडी हो जाने वाला ये टेस्टी सा मिठाई। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हबीबा, हबीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्फ़ी, टू कलर बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। ना इसमें आपको मावा का ज़रूरत है, ना आपको इसमें मिल्क का ज़रूरत है, कुछ भी आपको इसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मैदा ही से आपका ये मिठाई बनेगा और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ली 1 कप, बस हमें इसे सिंपल पहले छान लेना है ताकि कोई भी इसमें गांठ वगैरह, कचड़ा वगैरह ना रहे। ये मैंने ली थी 1 कप और यहाँ पे मैंने ली हूँ ये 2 कप। चलिए इसे भी हम छान लेते हैं। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रखते हैं साइड पे। अब हम एक लेंगे कढ़ाई, तो गैस की फ्लेम को हम ऑन करते हैं और कढ़ाई की तो देखिए गाइस, कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे घी। अगर आप शुद्ध घी से बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घी लेना है। चलिए, मैंने यहाँ घी गर्म करने के लिए रखी हूँ, घी थोड़ा गर्म हो जाए हमारा। ये इतना सरल है, इतना इजी है, इतना मतलब टेस्टी, इतना यम्मी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैदा का है। कोई नहीं गेस कर सकता, ऐसा लगेगा कि इसमें मावा वगैरह बहुत कुछ है। तो चलिए हम अब आपको आगे स्टेप बताते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारा ये अच्छे से गर्म हो गया। तो इस स्टेज में गैस की फ्लेम को करेंगे लो और हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी को डालते जाएंगे, सॉरी मैदा को डालते जाएंगे और हम मिक्स करते जाएंगे। चलिए, अगर हमें लगेगा कि हमें घी का ज़रूरत है तो हम वापस से इसमें घी डालेंगे। चलिए, इसे आप धीमे आंच में कंटिन्यू आपको हिलाते रहना है, आपको बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी बन के निकलता है ना। और आप चाहे तो एक ही कलर में पूरा बना सकते हैं, चाहे तो आप डबल लेयर वाला बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए, हम ऐसे धीमे धीमे में इसको अच्छे से भूनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब तक मेरा मैदा भून रहा है, मैं पीछे वाले में यहाँ सॉसपेन में मैं डाल रही हूँ 1 कप शक्कर, 2 कप मैदे के लिए 1 कप शक्कर। और इसी के साथ हमें डालना है 1/2 कप पानी। अब हम इसे मेल्ट होने के लिए रखेंगे और वापस से हम अपना मैदा भूनने में लग जाएंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इसका जो कच्चा स्मेल है, रॉ स्मेल है, हमें उसे निकालना है, बस यही हमारा काम है। और बीच बीच में हम क्या करेंगे ना, शक्कर को भी ऐसे मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा शक्कर भी जो है मेल्ट हो जाए।
चलिए हम हमारा यहाँ पे भुनना चालू करते हैं। इसमें बस यही एक है स्टेज कि इसे थोड़ा भूनना है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी की कमी लग रही है, तो मैं डाल रही हूँ इसमें वापस से घी। मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बस। मैं अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप वनस्पति डालिए, पर रिफाइंड ऑयल आप मत डालिएगा। तो क्या होगा ना, उसमें आपका जो मैदा है ना उसमें बाइंडिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसे हमें जमाना भी पड़ेगा ना, बर्फ़ी बना रहे, मिठाई बना रहे, तो इसे जमाने के लिए हमें फैट वाला चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसे ऐसे कंटिन्यू लगातार भूनते हैं। जब तक हम यहाँ पे भून रहे हैं, मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 से 3 यहाँ मैंने ली हूँ, मैं 4 इलायची के दाने ली हूँ। इसको क्या करूँगी ना, मैं बस सिंपली इसको हाथ से ऐसे फोड़ना है और हमारे चाशनी में मैं डाल देती रहूँगी। हम इसमें अलग से कोई भी फ्लेवर नहीं डाल रहे, इलायची से ही इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और इसे हम थोड़े थोड़े देर में मिक्स करते रहेंगे। चलिए हम वापस से हमारे काम पे लगते हैं। तो जब तक हमारा फ्रेंड्स यहाँ मैदा भून रहा है, हम फटाफट से अपनी जिसमें भी आपको जमाना हो आप वो पहले से ग्रीस करके रेडी कर लीजिए। तो मैं आपको ग्रीस करके रेडी करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई भी अलग से मोल्ड नहीं ले रही हूँ, मैं सिंपल ऐसी घर की थाली ले रही हूँ। और अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसको ग्रीस करके लगाइए, अदरवाइज़ थाली में थोड़ा सा घी ज़्यादा लगाइए और चारों बाजू में लगाइए, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो मेरे पास थोड़ा सा बटर पेपर था तो मैं उसी का इस्तेमाल इसमें अभी कर ले रही हूँ। और देखिए, मैंने कोई अलग से मतलब इसके लिए प्रोफेशनली नहीं कटिंग की हूँ, बस ऐसे ही बस चिपका ले रही हूँ। और जो थोड़ा सा केक का बचा हुआ था वो मैं यहाँ पे चिपका लूँगी। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें ऑयल ग्रीस करना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत ही सरल है। रक्षाबंधन में आप अपने भाई को घर का ऐसा बनाया वो शुद्ध घी का बना के खिलाइए, तो ज़रूर खुश हो जाएगा। तो चलिए, मैंने ज़्यादा तो नहीं आएगा, इतने ही दूर तक आएगा, इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब मैं इसको देखती हूँ। तो चलिए अब मैं बड़ा चम्मच लेती हूँ, क्योंकि छोटा चम्मच से मेरे हाथ पे जलन सा हो रहा है। चलिए एक सौंधी खुशबू आना चालू हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप इस स्टेज पे लेकिन कंटिन्यू, मैं जैसे हाथ रोकी थी ना तो मेरा मोटा तला का था, इसके वजह से तो भी थोड़ा सा डार्कनेस कलर आया, लेकिन आप बिल्कुल भी हाथ मत रोकिएगा, कंटिन्यू हाथ आपको चलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कंटिन्यू भून रही हूँ और वहाँ हमारा चाशनी भी बन रहा है, और हमें इसे ऐसे ही लगातार भूनते रहना है। चाशनी हमें हमारा एक तार जैसे ही बनने वाला हो ना, बस उस स्टेज में हमें हमारा चाशनी चाहिए। और आपको जो भी कलर मतलब जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप पहले से ही करके रखिए, क्योंकि जब आप चाशनी में डालेंगे तो वो उस टाइम थोड़ा रश वाला काम होगा, तो फटाफट सा सब कुछ ताकि हो जाए। तो चलिए हम इसे मिक्स करते रहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा चाशनी एक तार का हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सावधानी के साथ फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइम में जो चाशनी रहता है ना, देखिए आप लोग को दिख रहा है,
अभी एक चिपचिपी सी बस हुई है। मतलब आ रहा है और टूट जा रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब हम चाशनी की गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें, मैंने इलायची निकाल दी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हम इसे स्लो फ्लेम पे मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे और सब तरफ से इसे हम मिक्स करेंगे। आप एक बार में पूरा मत डालिएगा, क्योंकि फिर ये गाढ़ बनना चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको और भी अच्छे से दिखाती हूँ भून के। जैसे ही सोख हो जाएगा ना, जैसे सोख हो जाएगा तो मैं इसमें वापस से डालूंगी और वापस से फटाफट मिक्स करूंगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा और डालते हैं हम। मैं यहाँ वीडियो ना स्लो की हूँ ना स्किप की हूँ, आपको कंटिन्यू मैं दिखाते ही जा रही हूँ। चलिए जो बचा है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो डाल के हम इसे फटाफट से मिक्स करेंगे। गाइस आपको क्या बोलूँ कि मेरे घर पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, लग रहा है कि हाँ कुछ बन रहा है। ये थोड़ा स्टिकी अभी और होगा, उसके बाद हम इसमें निकालेंगे। तो थोड़ा सा हम और भूनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भूनते भूनते एक ये एक डो जैसा बनने लगा है। तो हम थोड़ा और भूनना है। और गाइस, इस आपका नॉन स्टिक पैन, मेरा नॉन स्टिक पैन नहीं है, इसके वजह से ये चिपका हुआ है। अगर नॉन स्टिक पैन रहता तो ये नहीं चिपकता। थोड़ा और हम इसे घट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा नॉन स्टिक पैन नहीं है तो भी देखिए अब ये तली छोड़ने लगा है। देखिए, देख सकते हैं आप, इसका इंडिकेशन यही है कि अब ये हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं आधा ट्रांसफ़र कर लूँगी जिसमें मैं बेक करूँगी। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं करती हूँ ऑफ। और तो मैंने आपको प्लेट दिखाई थी गैस, तो मेरी बेटी बोलने लगी मम्मी आप इसमें करो। मैं बोली चलो ठीक है। तो आधा पोजिशन मैं इसमें डाल लेती हूँ और आधा मैं इसी में रखूंगी, क्योंकि मुझे कलर मिक्स करना है। तो बिल्कुल आप आधा ही आधा कीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ करके। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ फैला ली हूँ और बाकी का जो बचा है ना, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड कलर। अगर आपके पास हो तो आप इसको, आप अपने पसंद से कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर में दूसरे वाली भी डाल दी। मेरा थोड़ा फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया था, तो ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना, वो चम्मच से मैंने निकाली थी इसके वजह से। तो ये मैं डाली थी, देखिए ये रोज़ रेड लिखा था, ठीक है, लेकिन मैं जब भी डाली ना तो इसका कलर कुछ ऐसे लाइट ब्राउन जैसा आया। तो आप ब्लू ब्रांड है, ब्लू डायमंड है, ये काफ़ी अच्छा मतलब नाम का था किसी टाइम पे, लेकिन अब ये बेकार हो गया। पहले रेड तो रेड ही रहता था, लेकिन अभी आप देख सकते मैंने रोज़ रेड इस्तेमाल की हूँ, लेकिन आप कलर देखिए बर्फ़ी का कैसे
चॉकलेटी सा आया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, कलर तो आया, आप अपने पसंद से कुछ भी कलर दे सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही करके सेट होने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटा के लिए रख देते हैं। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आप प्लीज़ नॉन स्टिक पैन में ही बनाइए, नहीं तो मेरे जैसा देखिए, देख रहे हैं आप? तो आप नॉन स्टिक पैन में ही बनाइए। देखिए मेरा यहाँ पे ट्राइपॉड लगा हुआ है, अचानक से पता नहीं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गया तो आपको मैं पूरा शूट नहीं दिखा पाई, लेकिन इतना है कि आप समझ जाएंगे। और अच्छे से इसको हाथों से या किसी भी कटोरी से ग्लास के पीछे में थोड़ा सा घी या तेल लगा के आप कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम इसे ऐसे रैप कर देते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है रैप करने का, मेरा एक्स्ट्रा मतलब लग रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसके वजह से मैं रैप की हूँ। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, उसके बाद मैं आपको कट करके गार्निशिंग करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हद तक अभी सेट हुआ, अभी पूरा सेट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, इस स्टेज में हम लगाएंगे चांदी के वरक। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चांदी के वरक ली हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लगाइए, ना चाहे तो ना लगाइए। देखिए मैंने इसमें लगा दी हूँ। ये कितना पतला रहता है, पैन चलते ही आप अपने हाथों से भी इधर उधर स्प्रेड थोड़ा कर दीजिए, ताकि इक्वली सब तरफ ये आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चांदी के वरक को सेट कर ली हूँ, अब इसे हम थोड़ा देर और सेट करने के लिए रखेंगे। अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, अभी ये अंदर से गर्म ही है, ठीक है? तो इसे अच्छे से हम सेट करते हैं। इसे सेट होने के बाद मैं आपको कट करके बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे एजेस को मैंने इक्वली कट कर ली हूँ। अब आप अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए आप वैसा इसको आप कट कर सकते हैं। बाकी का मैं आपको कट करके पूरा दिखाती हूँ। मैं ऐसे स्क्वायर शेप में कट करूँगी, आपको जैसा कट करना हो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर ली हूँ, और थोड़ा मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे जिसके वजह से मैंने आपको पूरा शूट करके नहीं दिखा पाई। देखिए मैंने किसी में कुछ में पिस्ता लगाई हूँ, और कुछ में मैंने देखिए बादाम लगाई हूँ। मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ, देखिए इसका, देखिए डबल लेयर नीचे वाइट है, देखिए तोड़ के बताती हूँ मैं ये कितना सॉफ्ट बना है। ये पूरा डबल लेयर है, देखिए। आपको भी अगर ऐसा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, आपको मेरा ये मेहनत, मेरी रेसिपी अगर ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं यही कह सकूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिस्ता और बादाम से ही गार्निशिंग करें, अगर आप स्किप भी करते हैं या सिल्वर वरक को भी स्किप करते तो भी आपका ये जो पेड़ा है ऐसे ही सॉफ्ट बनेगा। देख रहे हैं आप, इसका दो कलर ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे आप अपना रक्षाबंधन में बनाइए अपने भाई के लिए, अपने भाई को खिलाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रक्षाबंधन स्पेशल आप लोग अपने भाई के लिए कुछ बनाए हैं, अगर कुछ सोच रहे हैं तो ये है परफेक्ट रेसिपी। बिना कंडेंस मिल्क, बिना पाउडर दूध, बिना दूध का, बिना मावा का, बिना कोई झंझट का, सिंपल दो इन्ग्रीडियंट्स से। तो देखिए, शक्कर और मैदा,
उससे इतना अच्छा लाजवाब दो कलर का आपको बर्फ़ी बोलिए या मिठाई बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, बहुत ही सरल बहुत ही सिंपल 15 मिनट में बन के रेडी हो जाने वाला ये टेस्टी सा मिठाई। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।